अपने खर्चे कर लेते हो, क्या ये पैसे बचा कर आप अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोच सकते हो, क्या उसकी उसके लिए सोचकर उसकी इतनी खतरनाक बीमारियाँ और इतना कुछ वो जूझेगी उसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत मैसेज लगा था इस मूवी का। अच्छा अच्छा, कुछ लोग इसका जवाब क्या देते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजी काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे हैं, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी वीडियो है BPCL से रिलेटेड। मुझे खुद भी नहीं पता BPCL क्या होता है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है BPCL डिस्पैचेस फर्स्ट इंडिजिनस सुपर। इस खबर को सुनने के बाद आपको अपने भारतीय होने पे गर्व होने वाला है, और साथ ही सभी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए अभी तक की सबसे खुश कर देने वाली खबर निकल के आ रही है। अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए, बच्चों के डायपर्स, एडल्ट पैंट्स और यहाँ तक कि महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले सैनिटरी पैड्स अभी तक भारत में नहीं बनाए जाते थे। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सभी पैड्स में गीलापन को सोखने के लिए जिस सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, उसे मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी अभी तक भारत के पास मौजूद नहीं थी। इस पॉलीमर को बनाने की टेक्नोलॉजी US और यूरोप समेत कुछ ही देशों के पास अभी तक अवेलेबल थी, और कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों ने पूरे विश्व में इस पॉलीमर को मैन्युफैक्चर करने की एक मोनोपोली बना ली थी। सीधे शब्दों में दुनिया के चंद देशों ने एक ऐसा गुट बना लिया था जिसकी वजह से भारत और दूसरे विकासशील देशों से ये अमीर देश हर साल अरबों रुपए जबरदस्ती छीन रहे थे। इन अमीर देशों ने ऐसे एब्जॉर्बेंट को नॉन लाइसेंसिंग कैटेगरी में डाल दिया था, मतलब ये कि इस पॉलीमर को दुनिया के केवल गिने चुने देशों में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और भारत समेत दुनिया के अन्य देश इस फैब्रिक को केवल इम्पोर्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि इस एब्जॉर्बेंट को मैन्युफैक्चर करने की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी केवल कुछ ही देश अपने पास रखते हैं। लेकिन भारत ने इस गुंडई को आखिरकार पूरे तरीके से खत्म करके इस मोनोपोली का गेम बजा डाला है, क्योंकि BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी आखिरकार खुद ही डेवलप कर ली है, और न केवल डेवलप की है बल्कि इस एब्जॉर्बेंट का पहला कंसाइनमेंट बैंगलोर के लिए रवाना भी कर दिया गया है। BPCL की कोची रिफाइनरी में सैनिटरी पैड्स के इस रॉ मटेरियल को डेवलप कर लिया गया है, और एक डेमोंस्ट्रेशन प्लांट पहली बार भारत में लगाई गई है जो हर साल 200 टन पॉलीमर का प्रोडक्शन कर सकती है। ये बस एक शुरुआत है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद BPCL 50,000 टन सालाना कैपेसिटी की एक और प्लांट पे काम करना शुरू कर चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल इस पॉलीमर के लिए भारत का 1,000 करोड़ रुपए अमीर देशों को चला जाता था। महंगी कीमत पर खरीदे गए इस पॉलीमर की वजह से नैपकिन्स, पैड्स और डायपर्स भारतीय मार्केट तक आते आते कई गुना महंगे हो जाया करते थे, लेकिन भारत में बने इस पॉलीमर की वजह से कीमत में गिरावट आ सकेगी, और कुछ ऐसी सैनिटरी और डायपर ब्रांड्स भारतीय मार्केट में जन्म ले पाएंगी जो कम कीमत का फायदा आम जनता तक पहुंचा सकेंगी। इस पॉलीमर को मैन्युफैक्चर करने के लिए BPCL ने एक्रिलिक एसिड का इस्तेमाल किया है, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस केमिकल को BPCL की रिफाइनरी में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब अभी तक जिन पैड्स का 100% इंपोर्ट भारत में किया जा रहा था, अब उन्हें 100% भारत में ही बनाया जा सकेगा। हमें लगता है कि अगर भारत इस टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर चुका है तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर ऐसे गरीब देशों को भी किया जाए जिनका खून अभी तक अमीर देश चूस रहे हैं। ऐसे गरीब देशों को कमाने का एक जरिया तो मिलेगा ही, इसके अलावा वहाँ के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं एक हेल्दी लाइफ भी बिता पाएंगे। ये आप बताइए कि भारत को क्या ये टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को ट्रांसफर करनी चाहिए, या अमीर देशों की तरह ही इसे पैसे कमाने का एक जरिया बना लेना चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, और हाँ, दिन बन चुका हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जनाब, मुझे फिल्म याद आ गई। कौन सी? अक्षय कुमार वाली पैडमैन। अच्छा, मुझे भी पूरी वीडियो में वही मूवी याद आ रही थी। पूरी देखी आपने? नहीं, मैंने कुछ डायलॉग्स वगैरह देखे थे। अच्छा, मैं असल में हुआ ये कि उस फिल्म में भी वो मटेरियल जो होता है ना, वो नहीं, पहले ये क्या करते, नॉर्मल कॉटन रख के बनाते हैं, नहीं बनता। जाहिर सी बात है कि वो तो सोखता नहीं है ना पानी मटेरियल, तो पहले वो नॉर्मल कॉटन रख के बनाते हैं तो वो नाकाम हो जाते हैं। अब वो परेशान हो जाते हैं कि इसके अंदर रखता क्या है, होता क्या है, जेल होता है ना उसमें, जेल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ होता है मटेरियल। हाँ, मैंने कट कर, वही असल था मसला। अच्छा, था वही, यानी कि सोखने की सिलाई उसी में, उसी में होती है। तो फिर वो बाहर से ये मंगवाते हैं तो इनके पास शीट आ जाती है, गत्ते। अच्छा, गत्ते आ जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो नॉर्मल गत्ते हैं, मैंने कुछ मंगवाया था वो आया ही नहीं है। फिर डॉग होता है ना, डॉग क्या करता है, वो उसको रगड़ता है, चीज़ों को रगड़ते हैं ना, बिल्ली, कुत्ते, नाखून मारते हैं, तो फिर वो रुई निकलने लगी। फिर उसे समझ आया कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये जो मैंने मंगवाया था वो तो मेरे पास आया ही नहीं, वो शीड़ें आ गई हैं। वो शीड में बहुत ही टाइट करके प्रेस हुई हुई थी, वो चीज़ रुई थी, यानी कि उसको प्रेसिंग के, उसको फिर दबाया गया था। उसको फिर वो करना था, मतलब एक उसको मशीन के अंदर
भुनना था क्या अच्छा, था पूरी रेसिपी याद कर लिया तो मैंने मतलब देखी थी भी बनना है पैटमैन कर पाकिस्तान का अच्छा ये टेक्नोलॉजी है इंडिया ने भी हासिल ग्रेट मैसेज भी दिया गया था पता नहीं आपने वो सुना था कि नहीं सुना था कि दुनिया को इस टेक्नोलॉजी को देना चाहिए या सिर्फ कमाना चाहिए ये मैसेज इन्होंने दिया नहीं नहीं मूवी की बात करें मूवी में तो यही मैसेज था कि मतलब है कि ये चीज़ जो है ज़्यादातर आम लोग जो हैं मिडिल क्लास होते हैं अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं फैब्रिक अब आप मैं तो बहुत सारे लोगों के मुँह से भी सुन लिया कि फैब्रिक ज़्यादा बेटर रहता है मैं हैरान परेशान हो गई कि मतलब कौन लोग हैं सही और आपको पता है फैब्रिक से बहुत बीमारियाँ होती हैं बिल्कुल ऐसा ही है तो मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ होती हैं तो इस मूवी के कुछ सीन्स देखे मैंने जिसमें वो कह रहे थे कि आप लोग मतलब मर्द हजरात होते हैं वही इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं वो इतना समझते नहीं इन चीज़ों को तो फिर वो किसी को मैसेज करते हुए मैसेज देते हुए कह रहे थे कि आप सिगरेट पी लेते हो आप इतने अपने खर्चे कर लेते हो कि ये पैसे बचा कर आप अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोच सकते हो क्या उसकी उसके लिए सोचकर उसकी इतनी खतरनाक बीमारियाँ और इतना कुछ वो झूझेगी उसके अंदर तो आपको थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए थोड़ा सा सोचना चाहिए तो ये मुझे बहुत खूबसूरत मैसेज लगा था इस मूवी का अच्छा अच्छा कुछ लोग इसका जवाब क्या देते हैं मतलब मिसाल के तौर पे कि नई नई चीज़ें आ रही हैं नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो लोग कहते हैं कि क्या पहले दौर में लोग जिंदा नहीं रहते थे मैं अब आपको बताता हूँ बताइए लोग कहते हैं कि यार पहले दौर में ज़िंदगी नहीं गुजरती थी अच्छा पहला भी तो एक दौर था उसमें तो ये चीज़ तसव्वुर ही नहीं थी क्या लाखों हज़ारों सालों से लोग नहीं थे तो उसका जवाब ये है लोगों के जहन में ये आता है कि यार ज़िंदगी पहले भी चल रही थी ये तो बिला वजह की एक मतलब ये फजूल में एक एडवांसमेंट आ गई है तो उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है तो उसकी वजह ये है कि अब पहले जो हमारे फूड थे पहले जो हमारा रहन सहन था पहले का जवाब यही होता तो पहले जो हमारे मामलात थे ज़िंदगी गुजारने के खुली हवा थी हमारी मटेरियल खाने पीने की जो चीज़ें थी खालिस थी सारी चीज़ें अच्छी थी तो इतने मसले मसाइल नहीं थे ज़िंदगी में दवाइयाँ नहीं थी मेडिसन नहीं था कुछ भी नहीं था सब फिर भी ज़िंदगी चल रही थी आपको पता है पाकिस्तान की आबो हवा को लेकर हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं रेडी डॉक्टर्स हैं अगर उनसे कुछ बीमारियों का जिक्र करें आप यकीन करें वो डायरेक्टली आगे से कहती है 99% लोगों को होती है ये तो कॉमन है ये तो आबो हवा की वजह से होती है तो मैं कभी कभी सोचती हूँ इन चीज़ों को लेकर यार क्या बीमारी कॉमन हो सकती है बीमारी हर किसी में माहौल की वजह से बीमारी नहीं रही माहौल की वजह से आबो हवा की वजह से तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हो कि पहले लोग थे तो पहले लोगों में उनकी ज़िंदगी का उनका लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क था वो प्योर खाते थे प्योर जीते थे तो बहुत अंतर है ना उसको अभी ऑक्सीजन बहुत थी यार मतलब आस पास ग्रीन पॉल्यूशन वगैरह इतना ज़्यादा कहाँ था पहले अब हमारे घरों में छोटे छोटे दड़बे हैं हमारे घरों में सूरज की रोशनी तक नहीं आती इसका इतना नुकसान कहते हैं कहते हैं कि हाँ पानी कहते हैं कि जिस घर में अगर सूरज की रोशनी नहीं आती कई तरह के जरासीम वहाँ पलते हैं सूरज की रोशनी आना बहुत ज़रूरी है जैसे पानी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है पानी की वजह से भी बहुत सारे लोग कहते हैं बीमारियाँ होती हैं जो कॉमन है अगर आप स्पेसिफिक कराची की बात करें तो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब वो डिजीज़ पाई जाएगी तो आप पता है डायरेक्टली आगे से जवाब मिलता है डॉक्टर की तरफ से भी कि पानी की वजह से है यानी कि हाँ का पानी ही ऐसा है अच्छा पंजाब साइड पे आप चले जाएं कराची के लोग अगर पंजाब या लाहौर वगैरह चले जाते हैं ना मोटे होकर आते हैं तो भाई जी क्या सुनने को मिलता है पानी चेंज हो गया पानी बहुत अच्छा है पानी बड़ा हेल्दी है कई लोग ऐसे भी मैंने सुने हैं कि यहाँ पर मजदूरी करते हैं कराची में सवात एबटाबाद कश्मीर की साइड के लोग यहाँ पर काम धंधा करते हैं बीमार हो जाते हैं ना वो कहते हैं हम 2 महीने लगा के आ जाएं अपने गांव में हम सेट होके आ जाएंगे अच्छा हेल्दी हो जाएंगे नहीं बीमार बुखार सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ का खाना पीना अच्छा इसके बाद अब चीज़ें ये पैड है और ये क्या कहते हैं पैम्पर है मुझे अब ये सस्ता हो जाएगा मेरे इंडिया में तो हो जाएगा मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रही हूँ बता रही हूँ कि यहाँ पे इनके प्राइसेस में आग लगी हुई है मतलब 500-600 से कम में कोई पैक आपको मिलता नहीं है छोटे से छोटा तो मैं हैरान हो रही हूँ कि वहाँ तो चले ठीक है कंट्रोल में आ जाएगा बहुत 100-150-200 तक चला जाएगा यहाँ पे तो अभी भी कोई मेंशन ऐसी नहीं हुई है यहाँ तो दूसरी चीज़ ये है कि मटेरियल जो था वो इंडिया मंगवा रहा था बना खुद रहा था लेकिन अब मटेरियल भी खुद बनाएगा तो और सस्ता हो जाएगा मुझे लगता है हमारे यहाँ बनता भी नहीं है शायद हमारे यहाँ ये नहीं बनता ना हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है मुझे लगता है शायद यहाँ बनता भी नहीं है ज़्यादातर इम्पोर्ट हो गए और ख़ास तौर पर हमारा वो हमारे हम पता है किसकी मार्केट है ज़्यादातर मुझे लगता है हम चाइना के लिए एक मार्केट है चाइना यहाँ चीज़ें बेचता है अच्छा मैंने हमारे यहाँ हर चीज़ चाइना की हमारे यहाँ एक दो कंपनीज ही इसको लेकर बटरफ्लाईज ऑलवेज तो ये लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कॉमनली यही मिलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बनता आपने सही बताया हमारे यहाँ इनकी कंपनीज नहीं है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होता वो तो मटेरियल मंगा कर कम अज़ कम बना तो रहे हैं हमारे यहाँ तो मटेरियल आने का सवाल ही नहीं होता हम इम्पोर्ट करवाते हैं हम तो बहुत शाही लोग हैं तो ये ऑलवेज मैंने सुना था बेसिकली इंडिया का ही है
लेकिन अब मुझे इसके पीछे की थोड़ा सा मतलब नॉलेज हुई कि मटेरियल मंगवा कर बनाते किसी कंट्री से मंगवा लिया। लेकिन ऐसे भी देश हैं कि जो अच्छा, ये बड़ा एक मामला था, उन्होंने लोगों को कंट्रोल करके रखा था कि ये टेक्नोलॉजी हम किसी को ना दें। लेकिन आखिरकार टेक्नोलॉजी बना ली। और मज़ीद ये है कि इंडियन की टेक्नोलॉजी मज़ीद देशों के पास भी जाएगी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ है, अगर इनके टेक्नोलॉजी नहीं भी देता तो मुझे ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से इंडिया की बनी हुई चीज़ मतलब क्वालिटी और प्राइस के हवाले से बड़ी मुनासिब होगी। जब इंडिया पूरी दुनिया को मेडिसिन सस्ती दे सकता है या दे रहा है सिर्फ इसलिए कि ये मेडिसिन है, ज़रूरत की चीज़ है, तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल में शायद एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी। अच्छा, मुझे आखिर में क्या बात हो रही थी, तो मैं ये कहती थी कि आखिर में जाते जाते वो वीडियो में एक सवाल छोड़ कर गए कि क्या इंडिया इससे कमाएगा या ये इस टेक्नोलॉजी को आगे भी बढ़ाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो मैंने नेचर देखा है आज तक वीडियोस के हवाले से, जो मैंने सीखा है, सुना है, समझा है इंडिया को, कि इंडिया का कभी नेचर ये नहीं रहा है कि वो चलाकी दिखाए, वो कमाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैसा हो, वो तो बांटने वालों में से। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ये टेक्नोलॉजी आगे दूसरे कंट्रीज में भी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और उन कंट्रीज की जो दादागिरी थी, गुंडागर्दी थी, क्या इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, एक लफ्ज़ यूज़ किया था इन्होंने, गुंडागर्दी या कुछ ऐसा लफ्ज़ हुआ कि वो इनकी ख़त्म की इन्होंने। तो एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जब दूसरी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में और इन चीज़ों में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो क्रिएटिविटी में, ये इस पर क्या कहेंगे हम, इन्वेंशन, इन्होंने खुद इन्वेंट की ना एक चीज़, उस चीज़ में भी इंडिया ने केमिकल है एक तरीके का, केमिकल बनाया है, एक दो चीज़ें जाल जो होता है वो, तो इसको किस फील्ड में लेंगे हम, क्या मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। तो एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ अचीवमेंट है अगर देखा जाए तो, पूरी दुनिया की जरूरत है। अच्छा, गरीब देशों को सप्लाई करेगा तो वहाँ पे भी इनके प्राइसेस कंट्रोल होंगे, ऐसे ही जो जैसे अमीर अमेरिका फोर्स सपोज हम वहाँ से मंगवा रहे हैं तो वो कितना महंगा देंगे हमें, ऐसे ही, लेकिन अगर हम इंडिया से मंगवाएंगे तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़। दोबारा की सर मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।